dear student. आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर. तो टुडेज लेक्चर ऑन माइक्रोबायोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन. आज के लेक्चर में आप क्या देखोगे कि एक तो माइक्रोबायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन कि वो होती क्या है, किस चीज क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड है, और दूसरा क्या देखोगे कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन सी ब्रांचेज है, उनके अंदर एक ब्रांच है क्या वायरोलॉजी, तो उसके ऊपर क्या है आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. देखो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, अगर जनरल लैंग्वेज में देखें तो माइक्रो मीन स्मॉल मतलब छोटा बिल्कुल, और बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी मीन स्टडी यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म की क्या है स्टडी यानी स्मॉल लाइफ की स्टडी यानी छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो जीवाणु हैं उनकी स्टडी उनके अध्ययन को ही क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं. तो देखो क्या है माइक्रोबायोलॉजी यानी फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी क्या है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है माइक्रो मीन्स क्या होता है स्मॉल यानी छोटा, और बायो मीन्स क्या होता है लाइफ यानी जीवन, एंड लॉजी मीन्स क्या होता है स्टडी यानी किसी चीज का अध्ययन. तो माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, एंड लॉजी मीन्स स्टडी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज बीइंग यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर सेलुलर और ए सेलुलर यानी लैकिंग सेल्स यानी जिसमें क्या हो सेल की कमी हो. तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या है ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसके अंदर माइक्रो मीन्स क्या होता है स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, एंड लॉजी मीन्स स्टडी यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी. तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रोबायोलॉजी क्या है छोटे जीवाणुओं का अध्ययन है. दोज बीइंग यानी जो कैसे होते हैं यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल जिनके अंदर प्रेजेंट हो यानी सिंगल सेल प्रेजेंट हो. देखिए एग्जांपल है बैक्टीरिया. मल्टी सेलुलर यानी जिसके अंदर काफी सारी सेल्स प्रेजेंट हो यानी सेल की कॉलोनी हो. और दूसरा क्या है और ए सेलुलर यानी जिनके अंदर क्या है लैकिंग सेल्स यानी सेल की क्या हो कमी हो. तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी. और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल हो सकती है, मल्टी सेलुलर यानी सेल की कॉलोनी भी हो सकती है, और कैसे हो सकते हैं ए सेलुलर यानी जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं हो वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी एनकंपेसेस न्यूमेरियस सब डिसिप्लिन इंक्लूडिंग वायरोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी प्रोटोलॉजी माइक्रोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या है जो क्या है नीचे लिखे जो नंबर्स हैं यानी जो अदर अदर ब्रांचेज हैं वो क्या है इंक्लूड है अलग अलग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अलग अलग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया है माइक्रोबायोलॉजी को. तो वो कौन सी ब्रांच है जैसे बैक्टीरियोलॉजी हो गया यानी बैक्टीरिया की स्टडी, प्रोटोलॉजी यानी प्रोटोजोआ की स्टडी, या फिर माइक्रोलॉजी यानी माइक्रोसिटीज की स्टडी, इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा का अध्ययन यानी एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड कोई भी लेक्चर, एंड पैरासाइटोलॉजी यानी पैरासाइट से रिलेटेड, और वायरोलॉजी यानी वायरस से रिलेटेड. नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया वायरस फंगाई एंड प्रोटोजोआ. तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है स्टडी है जिसको किसमें डाइवर्स किया गया यानी डिवाइड किया गया किसमें ग्रुप में, और वो स्टडी किसके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की, और वो ऑर्गेनिज्म कैसी है सब तेज जैसे बैक्टीरिया हो गया वायरस हो गया फंजाई हो गया प्रोटोजोआ. तो यानी इन सभी की स्टडी किसके अंदर इंक्लूड है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. तो एक बार शुरू से देखिए कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है. तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि ग्रीक माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, एंड लॉजी मीन्स स्टडी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज बीइंग यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर और एसेलुलर. माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन है उनकी स्टडी है. दोज बीइंग यूनिसेलुलर वो कैसे हो सकते हैं यूनिसेलुलर हो सकते हैं यानी सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं यानी सेल्स की कॉलोनी प्रेजेंट हो उनमें, और या कैसे हो सकते हैं एसेलुलर यानी लैकिंग ऑफ सेल्स यानी सेल्स की क्या हो उसमें कमी हो.
Next, microbiology encompasses numerous sub-discipline including यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या है, अलग अलग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांचेस इंक्लूड है, वो कौन सी है, उन ब्रांचेस के नाम क्या है। इधर से वायरोलॉजी हो गया जो किससे रिलेटेड स्टडी है, वायरस से रिलेटेड जो भी अपन अध्ययन करेंगे वो क्या है, वायरोलॉजी। फिर क्या है, बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड, प्रोटोजोलॉजी यानी प्रोटोजोआ से, माइकोलॉजी यानी माइको जो माइकोसिटीज है उनसे रिलेटेड कोई भी स्टडी, इम्यूनोलॉजी यानी इम्यूनिटी से स्टडी यानी प्रतिरक्षा से रिलेटेड कोई, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड जो भी अध्ययन है। और क्या है, पैरासाइटोलॉजी, ये सारी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इंक्लूड है, अलग अलग उसके ब्रांचेस है, अलग अलग डिवाइड किया गया है माइक्रोबायोलॉजी को डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एक स्टडी है किसके, डाइवर्स ग्रुप की और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की, सच एज बैक्टीरिया वायरस फंजाई एंड प्रोटोजोआ, जिसके अंदर अपन किसका अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया का, वायरस का और फंजाई या प्रोटोजोआ का अध्ययन करेंगे। इन सभी से क्या कैलकुलेशन निकलती है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप क्या क्या, अगर जनरल लैंग्वेज में देखें, नॉर्मल लैंग्वेज में माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन है, यानी जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी बिना स्पेक्ट्रल के माइक्रोस्कोप के हेल्प के जिनको नहीं देख सकते। और माइक्रोबायोलॉजी को अलग अलग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रक्चर और शेप के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव यानी वो डिजीज कौन सी कोज करते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया है। वो ब्रांचेस कौन सी है, वायरोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, प्रोटोलॉजी हो गया, या फिर माइकोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया एंड पैरासाइटोलॉजी हो गया। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर जनरली टू स्मॉल टू सीन विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप एंड हेंस दीज लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द माइक्रोब्स। शुरू से देखिए कि दे आर जनरली टू स्मॉल, यानी ये क्या है, दे आर यानी वे क्या होते हैं, जनरली टू स्मॉल यानी सामान्य से क्या होते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं, टू बी सीन विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, उनको क्या है अपन माइक्रोस्कोप के बिना, विदाउट उसके क्या है, सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, यानी सीधे आंखों से बिना किसी इक्विपमेंट को यूज किए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते। एंड हेंस दिस लाइफ फॉर्म आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसलिए ये जो लाइफ की फॉर्म्स है यानी ये जो फॉर्म है, ये जो लाइफ है जिस फॉर्म में लाइफ प्रेजेंट है यानी टू स्मॉल फॉर्म के अंदर, उनको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है उनका, माइक्रोब्स। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पजेस मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूड फंजाई प्रोटिस्टा, वेयर एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म all of which are microorganism are conventionally classified as the lacking membrane bounded organelles and include bacteria, archaea and virus. So eukaryotic or prokaryotic का मतलब तो आप समझते हो, यूकैरियोटिक कैसी, जैसे ह्यूमन सेल्स हो गई वो क्या है, यूकैरियोटिक यानी जिसमें क्या हो, वेल डेवलप्ड सिस्टम हो, यानी जिसमें सारे सेलुलर ऑर्गन न्यूक्लियस मटेरियल सही तरीके से मेंटेन हो, यानी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जो क्या है, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को डिफरेंशिएट कर रही हो। जबकि प्रोकैरियोटिक क्या होती है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है, यानी डीएनए और आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ही इंक्लूडेड रहते हैं, और जिसके अंदर क्या रहता है कि जितने भी सेलुलर ऑर्गन है वो क्या है, सही तरीके से डेवलप नहीं हुए होते, वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक। तो यहां पे देखिए कि यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूड फंजाई प्रोटिस्टा, वेयर एज प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ दिस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कन्वेंशनली क्लासिफाइड लैकिंग सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्किया एंड वायरस। शुरू से देखिए कि यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पजेस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, देन यूकैरियोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उनके जो ऑर्गन्स हैं किसके अंदर बाउंडेड रहते हैं, बंधे रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है।
एंड इंक्लूड, और क्या आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं यूकैरियोटी के अंदर, फंजाई और प्रोटिस्टा। वेयर एज जबकि प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कन्वेंशनली क्लासिफाइड सच दैट लैकिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और उनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो क्या है, सही तरीके से बाउंडेड नहीं रहती, यानी लैकिंग में कमी होती है उनके अंदर इंक्लूडेड। और कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो बैक्टीरिया आर्किया और वायरस आते हैं। शुरू से देखिए कि दे आर जनरली टू स्मॉल टू सीन विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी ये क्या है बहुत छोटे होते हैं और जिनको क्या है अपन बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के देख नहीं सकते। एंड हैज दिस लाइफ फॉर्म आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसीलिए ये जो फॉर्म है लाइफ की, यानी ये जो जीवन की फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या माइक्रोब्स बोलते हैं। और यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पजस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, पजस मीन रखता रखती है, तो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या रखती है कि उनके ऑर्गेनल्स को बाउंडेड रखती है, बांधे रखती है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन सी चीजें आती हैं, जैसे फंजाई आ गया और प्रोटिस्टा आ गया। वेयर एज जबकि क्या है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कन्वेंशनली क्लासिफाइड एज लैकिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, यानी प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उनके जो सेलुलर ऑर्गन है वो क्या है बाउंडेड नहीं रहते किसी चीज से, सेल मेम्ब्रेन से, और जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया और वायरस हो गए। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ट्रेडिशनली रिलेट विद ऑन कल्चर स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपी। और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है यानी जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब में काम करता है वो किससे रिलेटेड होता है, ट्रेडिशनली कल्चर से। कल्चर वह मीडिया होता है जिसके ऊपर अपन क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा के उनको इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा के उनकी कॉलोनी को बेच सकते हैं, स्टेनिंग यानी उनको अभिरंजक कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको बेच सकते हैं। तो माइक्रोब जो बायोलॉजिस्ट है उस वो किससे रिलेटेड रहता है जनरली, कि उसका काम क्या रहता है, या तो कल्चर स्टेनिंग और माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड इनटू अप्लाइड साइंस और डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी एज इज द केस विद बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, वायरोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। तो क्या है द ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड इनटू अप्लाइड साइंस और डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी, यानी माइक्रोबायोलॉजी है उसको क्या है साइंस के अकॉर्डिंग, क्या है टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या है उसको क्लासिफाई किया गया है, किसके अंदर, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, माइकोलॉजी के अंदर, प्रोटोजूलॉजी के अंदर, वायरोलॉजी के अंदर और फाइकोलॉजी के अंदर। तो शुरू से देखिए कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट किससे डील करता है, कल्चर से डील करता है, स्टेनिंग करता है और माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड काम करता है। और जो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है उनको टैक्सोनॉमी के अंदर यानी उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस किस के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसके अंदर, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, माइकोलॉजी के अंदर, प्रोटोजूलॉजी के अंदर, वायरोलॉजी के अंदर एंड फाइकोलॉजी के अंदर। अभी जो अपना टॉपिक है वो किससे रिलेटेड शुरू होगा, अभी अपन कौन सी ब्रांच की स्टडी करेंगे, तो वायरोलॉजी की क्या है अपन स्टडी करेंगे, यानी वायरस से रिलेटेड क्या है स्टडी करेंगे। तो वायरोलॉजी क्या है, वायरोलॉजी इज कंसीडर्ड टू बी ए सब फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और ऑफ मेडिसिन। माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि क्या है सब फील्ड है, किसका छोटा फील्ड है यानी छोटी ब्रांच किसकी, माइक्रोबायोलॉजी की, और किससे रिलेटेड है, वायरोलॉजी से रिलेटेड, मेडिसिन से भी रिलेटेड, यानी उससे रिलेटेड मेडिसिन बीच में स्टडी की जाती है, मेडिसिन भी प्रिपेयर की जाती है।
इन्वेस्टिगेशन भी होती है वायरस से रिलेटेड, उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर की भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, मेडिसिन का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस सब माइक्रोस्कोपिक पैरासाइटिक पार्टिकल और जेनेटिक मटीरियल कंटेनिंग इन ए प्रोटीन कोट। तो वायरोलॉजी क्या है कि वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस, यानी किसकी स्टडी है, वायरस की स्टडी, जो क्या है सब माइक्रोस्कोपिक है, यानी जिसको माइक्रोस्कोप के अर्थ से अपन देखेंगे। पैरासाइटिक पार्टिकल है, किससे रिलेटेड है, जैसे पैरासाइट किस जैसे है, वो क्या है जेनेटिक मटीरियल कैसा होता है उनका, कंटेनिंग इन ए प्रोटीन कोट, यानी जेनेटिक जो मटीरियल होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन के कोट में प्रेजेंट रहता है, यानी उसके जेनेटिक मटीरियल के ऊपर यानी डीएनए और आरएनए पे प्रोटीन का क्या रहता है, कोट रहता है, आवरण रहता है। नेक्स्ट, वायरोलॉजी इट फोकस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ वायरस, देयर स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन, देयर वेज और टू इन्फेक्ट एंड एक्सप्लोइट होस्ट सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, देयर इंटरेक्शन विद द होस्ट ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजी एंड इम्यूनिटी, द डिजीज दे कॉज, द टेक्निक टू आइसोलेट एंड कल्चर देम एंड देयर यूज इन रिसर्च एंड थेरेपी। अब देखिए वायरोलॉजी क्या होता है, अपन क्या चीज स्टडी करते हैं, वही क्या है इस लेक्चर में, इस लाइन में क्या है समझ में आएगा। वायरोलॉजी इट फोकस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ वायरस, यानी वायरोलॉजी के अंदर क्या है, जो नीचे लिखेंगे जो एस्पेक्ट है यानी उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो क्या है अपन स्टडी करते हैं, वो क्या है देयर स्ट्रक्चर यानी वायरस की स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन, वायरसेस का अलग अलग क्लासिफिकेशन, उसका इवेल्युएशन यानी उनको इवेल्युएट किस तरीके से करेंगे, उनका पता किस तरीके से लगाएंगे, देयर वेज टू इन्फेक्ट एंड एक्सप्लॉइट होस्ट सेल फॉर रिप्रोडक्शन, वो किस तरीके से होस्ट को इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, किस तरीके से वो होस्ट में एंट्री करता है और उसके अंदर किस तरीके से वो क्या है होस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन शुरू करता है, देयर इंटरेक्शन विद होस्ट ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजी एंड इम्यूनिटी, और उसका क्या है होस्ट से, होस्ट की फिजियोलॉजी और इम्यूनिटी से क्या इंटरेक्शन है, यानी वो कितना इफेक्ट डालता है उसकी फिजिकल कंडीशन पे और इम्यूनिटी पे, और देयर डिजीज दे कॉज, यानी जो बैक्टीरिया वायरस जो डिजीज कॉज करता है उसकी भी स्टडी करते हैं, द टेक्निक टू आइसोलेट एंड कल्चर देम, और अपन किस तरीके से वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, उसका किस तरीके से कल्चर लगा सकते हैं, वो सारी स्टडी किसमें करते हैं अपन, वायरोलॉजी के अंदर, एंड देयर यूज इन रिसर्च एंड थेरेपी, और वो जो वायरोलॉजी है उसको किस तरीके से अपन वायरस को क्या है थेरेपी के अंदर और रिसर्च के अंदर काम में ले सकते हैं, ये सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे अपन, वायरोलॉजी के अंदर। तो शुरू से देखिए कि वायरोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी ए सब फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और ए मेडिसिन, वायरोलॉजी क्या है किसकी छोटी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस सब माइक्रोस्कोपिक पैरासाइटिक पार्टिकल और जेनेटिक मटेरियल कंटेंट इन ए प्रोटीन कोट, और वायरोलॉजी किसकी स्टडी है वायरस की, यानी जो कैसे है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइटिक पार्टिकल है और जिनका जेनेटिक जो मटेरियल है वो किससे टका रहता है प्रोटीन कोट। नेक्स्ट, वायरोलॉजी इट फोकस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ वायरस, यानी वायरोलॉजी के अंदर अपन किससे रिलेटेड कौन किस वायरस की किन किन चीजों के ऊपर अध्ययन करते हैं, तो देयर स्ट्रक्चर यानी वायरस की स्ट्रक्चर के ऊपर, क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन यानी वायरस को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, किस चीज के ऊपर किस चीज की बेस के ऊपर उनको क्लासिफिकेशन किया गया और उनका इवेल्युएशन किया गया, देयर वेज टू इन्फेक्ट एंड एक्सप्लॉइट होस्ट सेल फॉर रिप्रोडक्शन, वो किस तरीके से एक वायरस क्या है होस्ट को इन्फेक्ट करता है यानी उसके अंदर एंट्री लेता है और वो किस तरीके से होस्ट सेल को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट, देयर इंटरेक्शन विद होस्ट यानी उसका होस्ट के साथ क्या इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का, फिजियोलॉजी एंड इम्यूनिटी, और उसका फिजियोलॉजी और इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट है होस्ट के ऊपर, और देयर डिजीज दे कॉज, और वो होस्ट के अंदर कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, क्या कौन वायरस, द टेक्निक टू आइसोलेट एंड कल्चर देम, और किस तरीके से एक वायरस को अपन आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और उसका कल्चर लगा सकते हैं, एंड देयर यूज इन रिसर्च एंड थेरेपी, और उसका अध्ययन और क्या उसकी थेरेपी किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारा अपन किसमें अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि वायरस की स्ट्रक्चर, दूसरा वो किस तरीके से इफेक्ट करता है ह्यूमंस को होस्ट को, वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए सेल को तैयार करता है, वो क्या क्या इफेक्ट डालता है होस्ट की इम्यूनिटी और फिजियोलॉजी कंडीशन पे, वो कौन सी डिजीज कॉज करता है और उस वायरस को किस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं,
ये सारी चीजें क्या है अपन किसमें पढ़ेंगे, वायरोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्या है कि ब्रांच, इन मेजर ब्रांच ऑफ वायरोलॉजी इज वायरस क्लासिफिकेशन। बड़े क्या है, बड़ी ब्रांच क्या है वायरोलॉजी की, वायरस का क्लासिफिकेशन है। वायरस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द होस्ट सेल द इंपैक्ट। और वायरसेस को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है कि वो कौन सी होस्ट सेल को इफेक्ट करते हैं। जैसे एनिमल वायरस, यानी जो क्या ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं, यानी मेमल्स को इफेक्ट करते हैं, वो कैसे हैं, एनिमल वायरस। दूसरा क्या है, प्लांट वायरस। प्लांट वायरस क्या है, जो किसको इफेक्ट करते हैं, प्लांटेस को। फंगल वायरस, यानी जो क्या है, फंगस का जो कोज करने का काम करते हैं। एंड बैक्टीरियोफेज, और जो क्या है, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज यानी जो ऐसे वायरस जो क्या है बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं। विच इंक्लूडिंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस, जो क्या है बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर है, बहुत ही जटिल क्या है वायरसेस हैं। शुरू से देखिए कि ए मेजर ब्रांच ऑफ वायरस वायरोलॉजी इज वायरस क्लासिफिकेशन, यानी एक बड़ी ब्रांच है वायरोलॉजी की जो क्या है वायरस का क्लासिफिकेशन है, यानी उनको क्लासिफाई किस बेस पे किया गया है। तो वायरस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द होस्ट सेल द इंफेक्ट। और वायरसेस को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है कि वो कौन सी होस्ट को इफेक्ट करते हैं, यानी कौन सी सेल्स को, कौन सी सेल्स के ऊपर कौन सा वायरस इफेक्ट डालता है। सबसे पहले क्या है, एनिमल वायरस जो किसको इफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को। दूसरा प्लांट वायरस जो किसको इफेक्ट करते हैं, पेड़ पौधों को। फंगल वायरस जो कोज, क्या कोज करते हैं, फंगस कोज करते हैं। बैक्टीरियोफेज जो कैसे वायरस है, यानी फंगल वायरस, यानी जो फंगल फंगस को क्या इफेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है, जो वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, यानी क्या है, जो क्या है बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। विच इंक्लूड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस, और जो क्या सबसे जटिल स्ट्रक्चर है वायरस, कौन सी, जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं। देखिए वायरस, नेक्स्ट क्या है, वायरस की वायरस है क्या। तो वायरस आर स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इंफेक्टिव एजेंट कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज जीनोम। वायरस आर स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इंफेक्टिव एजेंट, यानी वायरस क्या है, एक तो सबसे छोटा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, यानी जो सेल के अंदर जाके क्या है इंफेक्टिव एजेंट है, इंफेक्शन को कोज करता है। और कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और जो क्या है एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड क्या है रखता है, यानी जिसके अंदर एक ही प्रकार का क्या है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है, यानी डीएनए और आरएनए में से क्या है एक ही प्रेजेंट रहता है उनके जीनोम के रूप में। नेक्स्ट, एन इन्फेक्टिव एजेंट दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन ए प्रोटीन कोट, इट इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इज एबल टू मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल ऑफ ए होस्ट, यानी एन इन्फेक्टिव एजेंट। वायरस क्या है, एक इन्फेक्शन कोज करने वाला एजेंट है जीवाणु में। द टिपिकली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो किससे कंसिस्ट हुआ है, जो किससे बना है, न्यूक्लिक एसिड से बना है। और मॉलिक्यूल इन ए प्रोटीन कोट, और उनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन के कोट के अंदर प्रेजेंट रहता है। इज टू स्मॉल, जो कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, टू बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोपी। और वायरस को अपन किस तरीके से देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी की हेल्प से देख सकते हैं। एंड इज एबल टू मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए होस्ट सेल, और जो कैसे होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या है मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, खुद का डिवाइडेशन कर सकते हैं, आगे की क्या है खुद को क्या है डेवलप कर सकते हैं, यानी क्या है कि लिविंग होस्ट के अंदर ही क्या है वायरस अपना डेवलपमेंट कर सकता है, यानी अपनी जो काउंट है वो क्या है बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, दे हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आउटसाइड द लिविंग सेल। और जो वायरस होते हैं उनकी क्या है लिविंग सेल, यानी जिंदा प्राणी के या जिंदा सेल के बाहर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, यानी फूड का डाइजेशन वगैरह कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। नेक्स्ट, दे डू नॉट पजेस ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक द एंजाइम नेसेसरी फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। They do not possess a cellular organization.
उनके अंदर क्या है कि कोई भी सेलुलर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, कोई सेल का संघटन नहीं होता, एंड मेक द एंजाइम नेसेसरी फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। और उनमें क्या है कि एंजाइम्स की कमी होती है जो क्या प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को बनाने का काम करते हैं, उनका सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं, न्यूक्लिक एसिड को जो सिंथेसिस करते हैं बनाते हैं, उन एंजाइम्स की क्या होती है कमी होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या है वो एंजाइम लेके फिर आगे क्या डेवलपमेंट करते हैं। तो शुरू से देखिए कि वायरस क्या है, वायरस आर स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट, यानी वायरस क्या है सबसे छोटा ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर एजेंट है, यानी जो क्या है सेल के अंदर जाके क्या है इन्फेक्टिव एजेंट है, जो सेल के अंदर जाके क्या कोज करता है इन्फेक्शन कोज करता है। कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड, और वायरस के अंदर क्या है एक ही प्रकार का क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो क्या है डीएनए और आरएनए में एज देयर जीनोम, यानी उनके डीएनए में वायरस के डीएनए में जीनोम में क्या है एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए। नेक्स्ट एन इन्फेक्टिव एजेंट दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन ए प्रोटीन, एन इन्फेक्टिव एजेंट वायरस कैसे होते हैं इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, यानी इन्फेक्शन कोज करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, किसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म में चाहे वो प्लांट में कोज करें चाहे एनिमल्स में कोज करें। दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड, और वो मोस्टली किससे बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल से, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसमें घिरा हुआ रहता है उसके ऊपर किसका आवरण होता है प्रोटीन कोट। और वायरस कैसा होता है वायरस इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोपी, यानी वायरस क्या है बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, यानी जिसको क्या है अपन नेकेड आई से देख नहीं सकते, जिसको किस तरीके से देखते हैं अपन लाइट माइक्रोस्कोपी से, एंड इज एबल टू मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल ऑफ ए होस्ट, और जो क्या है जिंदा प्राणियों के अंदर ही क्या है मल्टीप्लीकेशन करता है लिविंग, यानी जिंदा सेल्स के अंदर ही क्या है वो अपना सेल्स का डेवलपमेंट करता है, यानी आगे क्या है बढ़ता है। नेक्स्ट दे हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आउटसाइड द लिविंग सेल, पर वो क्या है उनकी क्या है मेटाबॉलिक कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती किसके सेल के बाहर। दे डू नॉट पजेस ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक द एंजाइम, और उनके पास क्या है कोई भी सेल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, यानी सेल का कोई भी सही तरीके से ढंग से क्या है संगठन नहीं होता कि उनकी सेल क्या है स्ट्रक्चर के ऊपर मेंटेन हो सही तरीके से, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उनमें। और लैक द एंजाइम्स, और उनमें क्या होती है एंजाइम की कमी होती है जो किसके लिए जरूरी है नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को क्या है बनाने के लिए जरूरी है। मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड नॉट बाय बाइनरी फिजन, वो जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं एक वायरस से दो वायरस तीन वायरस, यानी जो कॉलोनी फॉर्म करते हैं वो किस तरीके से फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से, ना कि बाइनरी फिजन से फॉर्म करते हैं, यानी क्या है उनके अंदर आगे जो वायरस डेवलप होते हैं नए जो वायरस है वो किस तरीके से बनते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से, बाइनरी फिजन से उनसे नहीं बनते। इनेमिनेट मीडिया, और वो क्या है दे डू नॉट ग्रो इन इनेमिनेट मीडिया, और वो क्या है इनेमिनेट क्या मीडिया में ग्रोथ नहीं करते अपनी वृद्धि नहीं करते। दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, और वो क्या एंटीबायोटिक्स के विरोधी होती है, यानी उनके ऊपर एंटीबायोटिक क्या कोई भी इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स फॉर्म एनिमल एंड प्लांट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया और आर्किया, यानी वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म, यानी वायरस क्या है सभी प्रकार की जो ऑर्गेनिजम्स है यानी जो जिंदा प्राणी है चाहे किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी फॉर्म में हो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो उन सभी को क्या है वो इफेक्ट करता है, और वो फॉर्म क्या है जैसे एनिमल हो गया प्लांट्स हो गया तो, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जिसको क्या है इंक्लूड हो गए बैक्टीरिया और आर्किया, बैक्टीरिया और आर्किया क्या है वो इफेक्ट करता है। तो क्या है दे मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड नॉट बाय बाइनरी फिजन,
वो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से करते हैं, यानी आगे की जो संतति डेवलप करनी है वो किससे करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से, बाइनरी फिजन से नहीं करते। दे डू नॉट ग्रो इन इनएनिमेट मीडिया, और वो क्या है, इनएनिमेट मीडिया में ग्रोथ नहीं करते, अपनी वृद्धि नहीं करते। दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, वो क्या है, एंटीबायोटिक्स के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म, और वो क्या है, वायरस क्या है, जिंदा जितनी भी फॉर्म है, जितने भी जीव जीव है, उनको सभी को इफेक्ट कर सकता है, शरीर में डिजीज कोज कर सकता है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या इंक्लूड है, बैक्टीरिया या आर्किया। नेक्स्ट क्या है, वायरस का क्लासिफिकेशन है। तो मोस्टली दो प्रकार के वायरस प्रेजेंट रहते हैं, एक तो डीएनए वायरस, एक क्या है, आरएनए वायरस। डीएनए में क्या है, एक में तो जिसमें क्या है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट हो, और एक में क्या है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट हो। तो सिंगल स्ट्रैंडेड कैसे होते हैं, अनडेवलप्ड, यानी क्या है, अनएनवेलप्ड, यानी कि उनके ऊपर क्या है कोई भी कोट या फिर कोई अदर चीज पाई नहीं जाती, जो क्या है पैरा वायरस। दूसरा क्या है डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड में क्या होता है, एक तो एनवेलप्ड होते हैं यानी जिसमें कोट प्रेजेंट हो आवरण, और दूसरा क्या होते हैं अनएनवेलप्ड। एनवेलप्ड वायरस कौन से हैं, जैसे हेपेटाइटिस वायरस, यानी कि किससे रिलेटेड है, हेपेटाइटिस से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, हर्पीज वायरस हो गया, पॉक्स वायरस हो गया, और अनडेवलप्ड के अंदर देखिए अपन तो एडिनो वायरस हो गया, पेपिलोमेवी वायरस हो गया, पोलीमेवी वायरस हो गया। नेक्स्ट क्या, ये क्या है डीएनए वायरस के एग्जाम्पल थे, जिसके अंदर अपने लिए कौन इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस वायरस। दूसरा क्या है आरएनए वायरस, तो आरएनए के अंदर क्या होता है कि आरएनए पॉजिटिव में क्या है अनडेवलप्ड डेवलप्ड, तो ये क्या है कैंसी वायरस हो गया, पिकोमेरी वायरस हो गया, या फिर एनवेलप्ड में क्या है कोरोना वायरस हो गया। आरएनए के अंदर एनवेलप्ड में क्या है कोरोना वायरस हो गया, फ्लेवी वायरस हो गया, या फिर टोगा वायरस हो गया, या फिर आरएनए नेगेटिव में क्या होता है एनवेलप्ड में एरिना वायरस हो गया, या फिर बनी वायरस हो गया, तिलाव वायरस हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, या फिर आरएनए नेगेटिव या जिसमें पॉजिटिव हो सकता है नहीं भी हो सकता है उसमें क्या है रियो वायरस, डबल कैप्सूल होता है जिसमें। दूसरा क्या है एनवेलप्ड, एनवेलप्ड में क्या है रेट्रो वायरस, यानी एचआईवी जो अपने सब्जेक्ट में प्रेजेंट है। टॉपिक्स ऑफ वायरोलॉजी में क्या है, डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, रेट्रो वायरस है, और हेपेटाइटिस वायरस है। नेक्स्ट लेक्चर आपको किसके ऊपर होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस, यानी वायरस की मॉर्फोलॉजी के ऊपर। थैंक्स टू ऑल।